बुकमार्क बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम A4 साइज शीट, एंड अब हम इसमें मार्क कर लेंगे 9 सेंटीमीटर। एंड अब इसकी लंबाई हम लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे 9.5 4.5, एंड इसको ऊपर से हम पहले फोल्ड कर देंगे, मतलब हमें ये दोनों कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। अब हमें इस एंड से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। सेम इधर से भी करेंगे हम ज्वाइन। इसको कट कर लेंगे। तरीके से हमें बेस रेडी कर लें। अब हम कोई भी एक ओरिगेमी शीट ले लेंगे और इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे, फिर हमें सेम ट्राइंगल्स कट कर लेंगे। अब आपने ये जो फोल्ड किया है इसको हम इस पर रख के ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको हल्का हल्का इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें इस स्मॉल साइज का ट्राइंगल चाहिए। इस तरीके अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। हमें फर्स्ट ट्राइंगल तो इस साइड पेस्ट करना है। एंड सेकेंड ट्राइंगल को अब इसको हम हाफ फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे छोटा साइज करने के लिए। अब इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ले लेंगे हम 2 डिफरेंट कलर की ओरिगेमी शीट, एंड उस पर हम करेंगे अब नीचे वाले इसका पोर्शन ड्रॉ। हम इन दोनों को साथ में कट करेंगे। अब हम इसको ऐसे हाफ फोल्ड करके इसका साइज छोटा करेंगे।
अब हमें वन पेस्ट करना, जैसे हमने वन ब्लू वन रेड ऐसे पेस्ट करेंगे इसको। इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और डेकोरेटिव मटेरियल लेके इसको डेकोरेट करेंगे। लेके यहाँ पे रिबन पेस्ट कर देंगे। अब बाकी जो रिबन बचा है उसकी एक छोटी सी बो बना लेंगे इस तरीके से। शीट लेके इसे स्टार कट कर लेंगे। अब हम इसको इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। Now kite bookmark is done। एक आप इस तरीके से बना सकते हैं लॉन्ग, और दूसरा आप इसे शॉर्ट भी बना सकते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। सो इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम इस तरीके से इस वाले पोर्शन में हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे।